या आप भी खड़े कर सकते हो उसके कान में सूख जाए उसके कान में तो भाई ये सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा, दृश्य में भी देखा होगा, वही सीन है, चीजें में भी देखा होगा। हाँ जय श्री राम और फिर हाल चाल आप सब लोग आवाज दे रहा हूँ पूरे आप सब पे अच्छे होंगे। सुबह अभी टाइम हो रहा है 3:06, सुबह के 3 बजे ना, और इन लोगों को नहीं पता हम ग्वालियर जा रहे हैं, मैं, मेरे पापा और निखिल और निखिल मेरी बुआ का बेटा, बुआ गुफा जी, हम 6 बंदे जा रहे हैं ग्वालियर इसी काम से। सो इसलिए आज सुबह 5 बजे की ट्रेन है, जल्दी से नहा वहा के रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, और जो बंदे पहले से देख रहे हैं ब्लॉग उनको तो पता ही मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। रेडी होते हैं, इतनी भयंकर नींद आ रही है, बोला भी नहीं जा रहा, आँख भी नहीं खुल रही है, 1:30 बजे सोया ही था और अभी 3 बजे उठ गई। सबसे पहले तो चाय पीते हैं, मम्मी चाय बना रही है, चाय पीते हैं, फिर नहाते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर निकलेंगे ग्वालियर। सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 3:48 और रेडी हो चुका हूँ, पापा मम्मी रेडी हो चुका हूँ, ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट ग्रीन शर्ट रेडी हो चुका हूँ, कैब मैंने बुक कर दी, कैब भी आ रही है 5 मिनट में तो निकलेंगे। मम्मी भी रेडी हो चुकी है, बीच में रैपिड रेट का काम चल रहा है तो मैं पीछे उतरना पड़ा उस साइड, भाई बुआ वगैरह का वेट करते हैं, वो आते हैं, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाना है, हमें वेट करते हैं पहले, वो भी आने वाले हैं, उनको तो टाइम लग रहा था आने में, तो हम अंदर ही आ गए, ट्रेन भी खड़ी थी, ट्रेन में बैठ गए, देखते निकल रहे हैं। वैसे टाइमिंग है 5:10 स्टार्टिंग निकल जाएगी यहाँ से, पता नहीं कहाँ रहेगा, 4:40 हो गया अभी तक नहीं रहे, गेट पे वेट कर लो दिख जाए, लेकिन लग नहीं रहा अभी आई, तीन बार करो ना। तो वो मेरी हो गई है, इस रिक्शा में बैठ के आप जा सकते हो कहीं भी। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे हम? 9:40 तक, तो अभी 7 बज गए, 7:10 आए गाइस। अरे इस पे नहीं, इस पे प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े भाई, बहुत देखे।
एक दिक्कत हो गई है, मम्मी और बुआ की सीट अलग साइड लेट बुक हुई थी ना, तो उनका पहले जाने का सीन नहीं था तो उनकी सीट अलग कर दिया, सो वहीं जा रहे हैं। पान ले लिया, मीठे पान है, कोई भी तम्बाकू का यूज़ नहीं है, मैंने पहले बताया था। तो निखिल आ रहा है अगर फोन लेने गया था, वो दो सीट उस साइड हो गई ना, लास्ट सीन वो प्लान बना था उनका जाने का, तो उस साइड सीट है तो वहीं चलते हैं, वहीं खाएंगे मीठा पान। निखिल से ना वहाँ पे कोई सोया, उसको ऐसे उंगली करके फिर आ गया। तो ये मीठे पान है, सब ट्राई करो आगे कैसा बना है। मिठाई वाला है सारा, उसके कान में थूक जाए, उसके कान में थूक जीव। लाओ जी, तो गाइस सब चलते हैं। और बाप रे, सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बन मोर, यहाँ मोरी मोर मिलते हैं, एक मोर भाई एक मोर। और बस यहाँ से पन की कमी है, 15 मिनट की दूरी पे ग्वालियर, देखते हैं कितना लाइन लगता है। स्टार्ट हो गई ट्रेन, हमारे उतरने का टाइम आ गया है, तो फेस वॉश कर लेते हैं। ये गार्नियर का ऑल क्लियर फेस वॉश है, इससे काफी ग्लो आता है, ग्लो आता है। आपको नहीं आता मैं करके दिखाऊंगा, नहीं नहीं क्या मैं कर लूंगा यार, ऐसे जल हो गया वहाँ पे जाएंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा रिलेटिव के सामने, सही है ना। पहुंच चुके हैं ग्वालियर, अब चलते हैं रिलेटिव के घर पे, और पापा पापा भी आ गए, यहाँ से हमें ऑटो लेनी पड़ेगी रेलवे स्टेशन, बहुत धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। पीछे डाउन में वो खदान है पूरी टोटल, अच्छा यहाँ पे 3-4 खदान है, खदान में होता है भाई, खदान मतलब जहाँ से गड्ढी निकलती है, अच्छा यहाँ पे बम ब्लास्ट करे जाते हैं, हमारे घर तक बम ब्लास्ट होता है, हमारे घर पे बम ब्लास्ट होता है, घर तक आवाज आती है। अच्छा ये गिट्टी वहीं के तो निकले हुए हैं, आपका ग्वालियर के खजानों में। तो गाइस ये हैं ग्वालियर के खदान, यहाँ जो गिट्टी रोड़ी आप देखते हो जो रोड में यूज होते हैं,
वो गाइस ये सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा, दृश्य में भी देखा होगा, वही सीन है ये। केजीएफ में भी देखा होगा। हाँ ये केजीएफ का ही सेट है भाई, तो तगड़ा ही सीन है। यहाँ पर जोर से चिल्लाओ तो शायद चिड़िया, अभी गर्मी हो रही है तभी तो। ओह भाई मत कर कानों में बोल दिया। अबे यहाँ से चिल्लाया केशव तो केशव। ओ भाई देख सकते हम कहाँ आ गए हैं ग्वालियर में घूमने के लिए। इसमें से कितनी गिट्टी निकली होगी, बहुत निकली, कितना पत्थर निकाला जा चुका है इससे। बाकी यहाँ पे पानी आ गया इसलिए इसको बंद कर दिया। अच्छा पानी आ गया इसलिए छोड़ देंगे तो और करते हैं। और करते हैं। गहराई कितनी ज्यादा हो गई है? बहुत ज्यादा, वो देखने में लग रहा है कि है नहीं कुछ, पर वो बहुत ज्यादा गहराई है। 600 फीट हो गया आराम से। 600 फीट यहाँ से तोड़ते थे, यहाँ से गिट्टी बना करके वहाँ से सप्लाई होती थी, पर अभी हो गया खत्म। अच्छा प्रेशर की मशीन ऐसे ही खत्म कर रहे हैं ये। हाँ ये वैसे ही खत्म कर रहे हैं, पर अब इसका इसका कुछ नहीं कर सकते आप। इस जगह पे ना ही आप मट्टी भर सकते हो, देख सकते हो कहाँ गया काम घूमते घूमते। भूतों को मिठाई खिलाने लाया भाई, यहाँ तो स्नैप बनती है भाई। और यहाँ पर मटो सॉइल इरोजन कह सकते हो, लेयर बाय लेयर तुमको यहाँ दिखेगा। हाँ 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 इसमें कितनी कैसे कैसे लेयर जमा सकते हो पत्थरों में भी दिखती है। तो भाई आज पूरा दिन हमारा ट्रेन में ही बीत गया। अभी जाते वक्त टाइम लगा दिया, फिर आते वक्त तो बड़ा बड़ा टाइम लगेगा। मान लो कि पूरा दिन ट्रेन में ही है, घंटे दो घंटे बाहर निकले ग्वालियर में, और एक रिलेटिव के घर पे जाना था, वहाँ गए वापस के लिए। बस दिल्ली पहुँचने वाले हैं, साढ़े 9 फ्लाइट है, ये तो लाओ 9:30 की टाइमिंग है दिल्ली पहुँचने में, तो मुँह देख के लगी रहा होगा हम सोते रहते। ज़्यादा ग्वालियर घूम भी नहीं पाऊँ। सराती रफ तारे हैं, आगे बस मंजिल है पीछे हवाएं हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद, पानी में पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अब यहां से जाएंगे घर, और निखिल भी चल रहा है हमारे साथ ही घर, वो तो देखते हैं अभी चलते हैं। सो गाइस आज इतना ज़्यादा थके हैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ट्रेन में ही पूरा दिन बीत गया है। अब खाना वाना बनाएंगे, इससे पहले चाय पी लेते हैं, चाय बना लेंगे। तो गाइस आप लोग देख रहे हो सुमित के साथ मौत का खेल। निखिल के साथ, निखिल और सुमित के साथ चुट चुट कर रहे हो, चट चट नहीं कर रहा, धीरे धीरे टूट रहा है। मजा आ रहा है। इसकी खुद की उंगली भी चटक रही है भाई, जाओ हेल्प कर। हम ना आए हम ना आए ऐसे जी।